हमारे यहाँ पे अगर आप जितनी भी आज तक प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे अर्थक्वेक हो, सैलाब हो, कभी भी कोई कुदरती आफत हो, तो ये कौम इस तरह डोनेट करना शुरू करती है कि जो डोनेशन मांगने वाले होते हैं वो कहते हैं कि भाई बस करें और नहीं चाहिए, या आप अगर कपड़ा दे रहे हैं तो बस करें, कपड़ा देना बंद करें, खाना दे रहे हैं तो खाना देना बंद करें। ये इस किस्म की कौम है, जज्बाती कौम है। लेकिन इससे पहले जब भी कोई कुदरती आफत आती थी वो किसी एक पर्टिकुलर इलाके में आती थी। सैलाब आता था तो एक पर्टिकुलर इलाके में आता था, अर्थक्वेक आता था तो एक पर्टिकुलर इलाके में आता था। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिंध से ले के तो गिलगित बल्तिस्तान तक हर कोई महसूस कर रहा है, हर शहर के अंदर मौजूद है। हमारे कई जानने वालों के कहानियाँ सुनते हैं हम, वो उसका रिश्तेदार था उसको ये वायरस हो गया, उसका दोस्त था उसको वायरस हो गया, सो एवरी वन इज़ एबल टू फील दैट कि हाँ ये कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल में इस मालिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इस वक्त वो लोग जो इमरान खान साहब के ऑपोजिट हैं, इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, चाहे उनका ताल्लुक नून लीग से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, दे नीड टू राइज अबव दीज पार्टी लाइंस एंड दे नीड टू रियलाइज के दिस इज़ नॉट अबाउट इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दिस इज़ अबाउट बेसिकली पाकिस्तान, ना तहरीक इंसाफ, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, इट इज़ अबाउट पाकिस्तान। और लोग उठेंगे, मैं जानता हूँ लोग उठेंगे, क्योंकि अभी भी जो आपको फोन कॉल्स आ रही हैं उसमें से कोई ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक